हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गरीब कल्याण सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन, अंतिम व्यक्ति को मिला योजनाओं का लाभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार प्रातः माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से शिमला हिमाचल प्रदेश से वर्चुअली संवाद किया गया। जिला मुख्यालय बाड़मेर पर भगवान महावीर टाउन हॉल में राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का वर्चुअली आयोजन हुआ। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के महिला व पुरुष लाभार्थी उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री एवं बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, साथ ही उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जन जीवन मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से बहनों एवं माताओं के आंसुओं को पोंछने का काम हुआ है। इसी प्रकार घर घर शौचालयों का निर्माण होने से महिलाओं को आत्मसम्मान मिला है। वन नेशन वन राशन व्यवस्था के तहत किसी भी जगह से राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। सेल्फ अटेस्टेशन के तहत लोगों का काम आसान हुआ है। चौधरी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 8 वर्षों में विकास के अनेकों कार्य हुए हैं। भारतमाला परियोजना हो या नेशनल हाईवे एवं सड़कों तथा रेलवे स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण, हर क्षेत्र में विकास के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 से 14 में कृषि का लगभग 22,000 करोड़ बजट था। अब कृषि का बजट 1,32,000 करोड़ है। 65,000 करोड़ सीधा किसानों के खातों में हर वर्ष जा रहा है, जिसकी एक किश्त आज किसानों के खाते में जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसान अपने उत्पाद की स्वयं प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेश सिंह रत्नू समेत जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकड़ा राम मेघवाल की रिपोर्ट।